क्या आपने कभी सोचा है कि कंगारू की थैली के अंदर क्या होता है? हो सकता है कि वो उसमें नाश्ते का सामान छुपा कर रखते हों, या फिर अपने घर की चाबियां, या वो अपनी थैली में लोगों को छुपा कर यहाँ से वहां ले जाते हों। इसका छोटा सा जवाब है कि कंगारू अपने बच्चों यानी जॉय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए थैली का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इस थैली की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि 36 दिनों के छोटे से जेस्टेशन पीरियड के बाद जॉय पैदा हो जाते हैं और वो अपना आगे का विकास इसी थैली में रेंगते हुए करते हैं, जबकि दूसरे मैमल्स के साथ ऐसा नहीं होता। जब जॉय पैदा होता है तो वो एक जेली बीन के साइज का होता है, हालांकि इस समय ये बहरा और अंधा होता है, लेकिन इसे गंध की काफी अच्छी पहचान होती है, जिसकी बदौलत ये गर्म और महफूज थैली के लिए अपना रास्ता खोज लेता है। फिर जॉय दूध पीने के लिए माँ से जुड़ जाता है, जहाँ से इसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वहीं से अगले 4 से 6 महीनों तक इसका विकास होता है। जब जॉय अच्छी तरह से विकसित हो जाता है तो ये थैली छोड़ देता है और बाहर की दुनिया के मुताबिक खुद को ढालना सीखता है, लेकिन फिर भी इसे अगले 6 से 12 महीनों तक भोजन करने के लिए थैली के अंदर लौटना पड़ता है। ये टाइम फ्रेम कंगारुओं की प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होते हैं। ये 4 अलग अलग तरह के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी कंगारुओं और सभी जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा लाल कंगारू होता है। ये आमतौर पर मेनलैंड, रेगिस्तान और खुले घास के मैदानों में पाया जाता है। इसका निकनेम बिग रेड है और ये 6 फीट लंबा और 90 किलोग्राम वजनी हो सकता है। ईस्टर्न ग्रे आमतौर पर पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। ये दूसरे सबसे बड़े कंगारू हैं। इनकी ऊंचाई 5 फीट और वजन 80 किलोग्राम तक होता है। एंटीलोपियन कंगारू इन चारों में से सबसे छोटा होता है। ये दूर नदर्न ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है। इनकी ऊंचाई 4 फीट तक होती है और वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता है। और आखिर में आप महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में वेस्टर्न ग्रे को देख सकते हैं। इसका वजन 54 किलोग्राम तक होता है, जबकि ये 4 फीट तक लंबा होता है। अलग अलग आकारों के बावजूद इनकी सबसे बड़ी काबिलियत आगे की तरफ झुके हुए लंबी छलांग लगाना है। बिग रेड सिर्फ एक उछाल में 30 फीट तक की दूरी तय कर सकता है। हालांकि जो चीज कंगारू को इतना अनोखा बनाती है वो ऑस्ट्रेलिया में आम बात है। ये मैक्रोपॉड्स के दूसरे क्लासिफिकेशंस के साथ एवोल्यूशनरी ट्रेट्स शेयर करते हैं। वॉलबीज, वालरोकोका और पेडमेलन्स कंगारू के दूर के रिश्तेदार हैं, और हर क्लासिफिकेशन में कई प्रजातियां मौजूद हैं। ये सभी कई अलग अलग साइज के होते हैं। साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के उन इलाकों में रहते हैं जिनके मुताबिक इन्होंने खुद को ढाल लिया है। हालांकि एक समय पर मार्सुपियल्स की दुनिया में काफी ज्यादा तादाद थी, फिर भी ये साफ नहीं है कि इनका ओरिजिनेशन कहां का है। मार्सुपियल्स के सबसे पुराने फॉसिल्स उत्तरी अमेरिका में पाए गए थे। ये साफ है कि मार्सुपियल्स धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका से होते हुए अंटार्कटिका तक फैल गए और आखिर में ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। बेशक हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि ये उस समय की बात है जब ये सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद इन्होंने दूसरे मैमल्स के साथ बिना किसी मुकाबले के खुद को नए एनवायरमेंट में ढाल लिया। कुछ और मैमल्स भी उसी समय के आसपास ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे और ये थे चमगादड़ और चूहों के परिवार। यह हैरत की बात नहीं है कि चूहे इंसानों से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट आज के मुकाबले उस समय में बहुत अलग था, लेकिन मार्सुपियल्स ने जल्द ही खुद को बदलावों के मुताबिक ढाल लिया। इस मुद्दे पर डिबेट होती है कि दूसरे मैमल्स के उलट मार्सुपियल्स की अनूठी खासियत मौसम में भारी बदलावों के बीच इन्हें जिंदा रखती थी। छोटे जेस्टेशन पीरियड की वजह से वो अपने बच्चों को बहुत जल्दी दूध पिला पाते थे। मार्सुपियल्स के दूध में दूसरे मैमल्स के दूध की तुलना में ग्रोथ और इम्यूनिटी फैक्टर ज्यादा होते हैं, जो मुश्किल एनवायरनमेंट में फायदेमंद होता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स की तादाद ज्यादा है। कंगारू ने समय के साथ खुद को काफी अच्छी तरह ढाल लिया है। इस समय ऑस्ट्रेलिया में उनकी लगभग 4 करोड़ की आबादी इस बात का सबूत है, जो इंसानी आबादी से ज्यादा है। हालांकि उनकी खासियत इसकी अकेली वजह नहीं है, इसकी वजह शिकारियों की कमी भी है, खास तौर से डिंगो मैमल। लगभग 8000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, लेकिन उनकी तादाद ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर काफी हिस्सों में काफी कम है।
और फिर थाइलासीन आता है जिसे तस्मानियाई टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 50,000 साल पहले इंसानों के आने के बाद धीरे धीरे मेनलैंड से गायब हो गया था। एक अंदाजा ये है कि वे लगभग 4,000 साल पहले पूरी तरह से गायब हो गए थे, जिससे कंगारू जैसे मार्सुपियल्स पनपने लगे। थाइलासीन के बारे में खास बात यह है कि ये सम्मिलित विकास का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। इस प्रोसेस में एक दूसरे से पूरी तरह जुदा जानवर बिना किसी बंदिश के एक जैसे ट्रेट्स विकसित करते हैं। थाइलासीन और ग्रे वुल्फ ग्रह के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और इनका सिर्फ एक ही पूर्वज है जो दोनों से मिलता जुलता है, वो भी कम से कम 16 करोड़ साल पहले मौजूद था, फिर भी वे समान रूप से विकसित हुए। बाकी मार्सुपियल्स भी सम्मिलित विकास की कैटेगरी में फिट होते हैं। मार्सुपियल शुगर ग्लाइडर जो प्लेसेंटल फ्लाइंग स्क्वायरल की तरह है, हॉपिंग माउस जो उत्तरी अमेरिकी कंगारू चूहे की तरह है, साथ ही अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स और दूसरे मोल्स भी हैं। तस्मानियन डेवल हाइना और वॉल्वरीन की तरह है और वुम्बैट में ग्राउंड हॉग और मार्मोट जैसी कई समानताएं हैं। पोसम्स और उत्तरी अमेरिका में उनके रिश्तेदार ओपोसम अपोजिबल थंब के साथ विकसित हुए, जो प्राइमेट्स में पाई जाने वाली खासियत है। हेजहॉग और पॉर्क्यूपाइंस मैमल्स पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से अलग हैं। उनकी अनूठी स्पाइक्स इक्टिना की तरह हैं। इक्टिना भी एक मैमल है लेकिन ये मार्सुपियल होते हैं। ये मोनोट्रीम ऑर्डर हैं। इक्टिना बचे हुए 2 मोनोट्रीम मैमल्स में से एक है। बाकी मैमल्स के उलट मोनोट्रीम बच्चे नहीं पैदा करते बल्कि अंडे देते हैं। अंडे देने के 10 दिन बाद उनमें से बच्चे या पगल निकलते हैं, लेकिन दूसरे सभी मैमल्स की तरह पगल भी अपनी माँ का दूध पीता है। सम्मिलित विकास का एक और उदाहरण कुआला है, जो कि प्राइमेट की तरह उंगलियों के निशान के साथ विकसित हुआ है। कुआला ने खुद को ऑस्ट्रेलिया के गर्म मौसम के मुताबिक ढाला है। जैसे जैसे क्लाइमेट सूखा होता गया, पूरे महाद्वीप में जीवों में एक अलग बदलाव आया। यूकलिप्टस के पेड़ों की तादाद बढ़ गई क्योंकि उन्होंने आसानी से खुद को ड्राई क्लाइमेट के मुताबिक ढाल लिया। ऑस्ट्रेलिया में 70% से ज्यादा नेटिव फॉरेस्ट्री मौजूदा समय में यूकिलिप्टस की है। यूकिलिप्टस के पत्ते या गम लीव्स में कम न्यूट्रिएंट होते हैं। उनमें इतने कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वे मेन डाइट नहीं होते, लेकिन कुआला ने इन अनकंटेस्टेड फूड का फायदा उठाया और समय के साथ खुद को इनके मुताबिक ढाल लिया और अब वे केवल उन्हें ही खाते हैं और दिन में 6 बार भर भर के खाते हैं, जिस वजह से उन्हें हर दिन 20 घंटे तक सोना पड़ता है। हालांकि वे बहुत सोते हैं, फिर भी वे यूकेलिप्टस के पेड़ों पर काफी महफूज रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जानवरों की दुनिया अजीब है क्योंकि ये विविध है, लेकिन इस जमीन के बाशिंदों की भी अपनी कहानियां हैं जो इसे और भी अनोखा बनाती हैं। स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पास ड्रीम टाइम की कहानियां हैं, जिनमें ऐसे अजीब जानवरों का जिक्र है जो कभी वहां हुआ करते थे। एक ऐतिहासिक जानवर का नाम था बनियप। कहानियों में इसे एक ऐसा जानवर बताया गया है जो दलदलों, नदियों और झीलों में दुबका रहता है। हालांकि आमतौर पर इसे बनियप कहते हैं, फिर भी इसे देश भर में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूरोपीय लोगों के ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले मूल आबादी के बीच लगभग 250 भाषाएं मौजूद थी। हर भाषा में पानी में रहने वाले एक जानवर की एक जैसी कहानी सुनाई जाती है, जो छोटे बच्चों को दलदलों और नदियों के आसपास सावधान रहने का एक कीमती सबक देती है। बनियप के अलग अलग फॉर्म्स हैं, स्केल, फर या पंख। कुत्ते जितना छोटा साइज और भैंस जितना बड़ा साइज है। कुछ दिखने में हैरत अंगेज तौर पर अजीब है, लेकिन बाकी मगरमच्छ जैसे असली जानवरों जैसे हैं। बनियप जैसे ऐतिहासिक जानवर कैसे बने, इसकी वजह शायद मौजूदा जानवरों की हड्डियों और फॉसिल्स में छिपी है। जैसे यूरोप में ड्रैगन के बारे में कहानियों को लेकर तर्क दिया जाता है कि वे शायद डायनासोर के फॉसिल्स खोजने से पैदा हुई होंगी। बदनाम बनियप के इर्द गिर्द बनी कहानियों का आधार भी फॉसिल्स ही हो सकते हैं। लगभग 25 लाख साल पहले मेगाफोना काल के जानवर उनमें सबसे बड़े थे। ये अवधि लगभग 20,000 साल पहले खत्म हो गई थी। बनियप की तब्दीली उन जानवरों के साथ मेल खाती है जो इस काल के दौरान रहा करते थे। थाइलाकोलियो, जिसे मार्सुपियल शेर भी कहा जाता है, एक बड़ा और ताकतवर मांसाहारी मार्सुपियल था। डिप्रोटोडॉन, जो एक बड़े वुम्बैट जैसा दिखता था, उसका वजन 2700 किलोग्राम था और ये 10 फीट लंबा था। इसका एक और अनुवाद पंखों में ढके एक चोंच वाले बिनियप का था,
जो ड्रोमो निर्थिडे से जुड़ा हो सकता है। ये 10 फीट लंबा एक बड़ा परिंदा था। ये सभी उस समय के हैं जब मेगाफोना काफी आम थे और इंसान उनके बीच थोड़े समय के लिए रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मेगाफोना काल काफी पहले बीत चुका है, फिर भी ऐसे जानवर मौजूद हैं जिन्होंने महाद्वीप के सूखने, नई प्रजातियों के सामने आने और इंसानों के दखल जैसे हालातों के साथ खुद को ढाल लिया है। चारों तरह के कंगारू, द रेड, ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रे और एंटीलोपियन, ये सभी अभी भी मेगाफोना युग की जीती जागती मिसाल हैं।